नमस्कार, मैं हूँ आशा, आप सभी का स्वागत करती हूँ नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन में। स्वामी प्रसाद मौर्य व धर्म सिंह सैनी ने तो समाजवादी पार्टी का दामन थाम ही लिया था और अब इनको इस रेस में पछाड़ते हुए आगे निकले हैं दारा सिंह चौहान। इन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, जिससे योगी आदित्यनाथ सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने लखनऊ में बीते दिन रविवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर दारा सिंह चौहान ने कहा कि जब संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश हो रही थी, तब हमने निर्णय लिया था कि हम अखिलेश भैया के साथ गरीबों की सरकार बनाएंगे। दारा सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए नौजवान लाठी खा रहे हैं, पूरा प्रदेश भाजपा के शासन से परेशान रहा। हमने भी सरकार में रहने के दौरान पाँच साल तक सुधार होने का इंतज़ार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में आरक्षण से भी छेड़छाड़ की साजिश हुई। दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर यह आरोप भी लगाए। तो आपका क्या कहना है दल बदल को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आगे की न्यूज़ के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।